सुबह सवेरे यीशु को काइफा के पास से गवर्नर के किले पर ले गए। यहूदी हाकिम खुद किले में ना गए ताकि नापाक ना हो बल्कि फसह खा सकें। बस पिलातुस बाहर आया और उसने उनसे पूछा, तुम इस आदमी पर क्या इल्जाम लगाते हो? अगर इसने जुर्म ना किया होता तो हम इसे तेरे पास ना लाते। तब इसे ले जाकर तुम्हें अपनी शरीयत के मुआफिक इस पर फैसला करो। हमें किसी को जान से मारने की इजाजत नहीं है। यह इसलिए हुआ कि यीशु की वो बात पूरी हो जो उसने अपनी मौत के तरीक की तरफ इशारा करके कही थी। पिलातुस अपने किले में वापस गया और यीशु को बुलाया। क्या तू यहूदियों का बादशाह है? तू ये बात आप ही कहता है या औरों ने मेरे हक में तुझसे कही? क्या मैं यहूदी हूं? तेरी ही कौम और सरदार कहानों ने तुझे मेरे हवाले किया। तूने क्या किया है? मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं। अगर मेरी बादशाही दुनिया की होती तो मेरे खादिम लड़ते ताकि मैं यहूदियों के हवाले ना किया जाता। मगर अब मेरी बादशाही यहां की नहीं। पर क्या तू बादशाह है? तू खुद कहता है कि मैं बादशाह हूं। मैं इसीलिए पैदा हुआ और इस वास्ते दुनिया में आया कि हक पर गवाही दूं। जो कोई हक्कानी है मेरी आवाज सुनता है। तो हक क्या है? पिलातुस यहूदियों के पास फिर गया और उनसे कहा, मैंने उसमें कोई जुर्म नहीं पाया, मगर तुम्हारा दस्तूर है कि मैं फसह पर तुम्हारा एक आदमी छोड़ दिया करता हूं, पर क्या तुमको मंजूर है कि मैं तुम्हारी खातिर यहूदियों के बादशाह को छोड़ दूं? उन्होंने चिल्लाकर उससे कहा, हमें बराबा दे दो, हमें बराबा दे दो, हमें बराबा दे दो, हमें बराबा दे दो। बराबा एक डाकू था। Thank you.